वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम लोग आए हुए हैं आज हमारे खेत में, और यहाँ पर हम लोग आम लेने आए हैं, लेकिन बहुत सारे बंदर हैं यहाँ, तो मैं तो डर के मारे आगे जा ही नहीं रही हूँ। यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं उनके यहाँ पे लगे हुए हैं तरबूज, शिमला मिर्ची, करेले, तो हम जाते जाते उनके पास से थोड़ा थोड़ा लेकर चले जाएंगे। और यही है ब्लॉग, साड़ी पहन कर आई हूँ आज मैं, घर से बाहर निकलना था इसीलिए, नहीं तो घर में नॉर्मल अपना सूट वगैरह जो भी पहनना रहता है वो पहन लेते हैं। और अच्छा लग रहा है, देखो आ गए हैं ये आम तोड़ के। कितने आम मिले? कुछ नहीं, अभी तो बंदरों ने ज्यादा गिराया नहीं, बंदर गिरा नहीं क्योंकि ऊपर चढ़ नहीं सकते, लेकिन बंदर और काफी। मैं आम से प्रोटेक्शन के, बंदर से प्रोटेक्शन के लिए डंडा और पत्थर। यहाँ बंदर बहुत है और बंदर आम गिराते हैं, तो हम ये चारों तरफ हमारे सभी गांव वालों के, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही है, कुछ खेत जो हमारे हैं। और आम गर्मी का समय है तो आम जो, आम का जो पनो जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी इसमें सब चल रहा है खेती का काम। देखिए अभी गेहूं की कटाई चल रही है और ये खेत हमारा है। चारों तरफ गेहूं ही लगा हुआ था, अभी गेहूं की कटाई है। हाँ, ये अपने यहाँ का खेत है। और ये क्या कट गया? तो ये गहाई नहीं है। अभी गहाएंगे, अभी धीरे से होगी चीजें। लेकिन अपने आप तो गेहूं लगा रखे। वैसे मास्क मुझे लगा लेना चाहिए, क्योंकि गांव हो या शहर, मास्क सभी जगह ज़रूरी है। और मास्क वहाँ लगा लेता हूँ, मास्क मैंने लगा लिया। घर हमारा काफ़ी दूर है, अभी हम एक जगह से आ रहे हैं जहाँ पर आम लगे हुए थे, अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, जस्ट लगभग यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर है, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लग रहा है दूर लेकिन काफ़ी क्लोज है। और ये इसका आना कभी काल होता है, हाँ लगभग एक साल बाद ये खेतों में आ रही है, लेकिन सही है। कैसा लग रहा है आपको मुझे? खेतों में आकर? अभी तो अच्छा लग रहा है, बाकी रात में पता चलेगा। रात में पता चलेगा? रात में पता ये चलेगा, यहाँ से रिटर्न भी जाना है, जाके खाना भी बनाना है। हाँ खाना भी बनाना है, फिर उसके बाद खाना भी है, वैसे ज्यादा दूर नहीं है। ये देखिए, ये भूसा है जो कि यहाँ घाया गया है, यहाँ पर गेहूँ निकला था, ये खेत हमारा है। ये वाला, वो जो ट्रैक्टर वाले आप देख रहे हैं वही हमारा पूरा खेत की देखरेख कर रहे हैं, और वही उनके पास भी काफ़ी है, लेकिन तब भी उन्होंने हमारे, क्योंकि हमें खेती आती नहीं,
बस हम तो बस आते हैं, टाइम पास करते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। क्या लगाना आता है आपको खेतों में? हैं? अभी लगाई हो ना मैंने पालक और मेथी। हाँ ये है कि हम थोड़े से अब गुण ले रहे हैं क्योंकि हमारे घर के पीछे में कुछ हिस्सा है जिसमें हम अपने घर के लिए ही थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी लगाते रहते हैं, और वो इसने लगाया है, इसने भी। एक बार बताओ हमको जाना किधर है? I'm confused. अपन आम आम के पास जा रहे हैं, पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे वो आम अपना पेड़ मिलेंगे। नहीं है? कुछ नहीं होता, ये अपना खेत है ये वाला। वो अपना पेड़ है क्या? वो भी है, ये भी है, हम और यहाँ गांव है ये। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप सिर्फ खुद के पेड़ के नीचे से ही आम ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गांव की यही तो खूबसूरती है, कहीं पर भी किसी के भी खेत में जाके कुछ भी तोड़ के खा लो, पी लो, घर ले जा लो, यही तो खास बात है गांव की। तो अब ये देखिए, ये आम का पेड़ है, यहाँ पर देखते हैं कितने आम मिलते हैं। काउंटिंग में हम देखेंगे कि कितने आम यहाँ से मिलते हैं हमें। यहाँ तो वहाँ तो ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन यहाँ देखते हैं कितने मिलते हैं। चढ़ना तो हमारे बस की बात नहीं है, जो बंदर जो दे दे वो हमको मिलेगा, बस यही है। तो चलिए वहाँ तक पहुँचते हैं। और भाई हम आ गए हैं पेड़ के नीचे, और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ से मंदिर किधर है? पेड़ के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई आम नहीं है। मंदिर किधर? हम मंदिर? चलते हैं आगे की ओर, आगे अरे मंदिर है। यही तो पेड़ है, यही आगे तो की ओर मंदिर है। चलते हैं, पेड़ वहाँ लाइन से लगे हुए हैं। वो थोड़े छोटे पेड़ हैं, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, उसमें मैं चढ़ सकता हूँ, और वहाँ मैं चढ़ के आपको आम तोड़ के दिखाऊंगा। कितना कमाल की बात है ना, मतलब मैं आम को सीधे डायरेक्ट पेड़ पे चढ़ के तोड़ना पड़ेगा मुझे। चलिए कोशिश करते हैं व्लॉग में। तो दोस्तों ये देखिए, ये आम का पेड़ है, और हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना था, और मुझे बस यही आम चाहिए पन्नू बनाने के लिए। पन्ना बोलते हैं उसको, लेकिन गांव की लैंग्वेज में पन्नू बोलते हैं। ये देखिए कितने सारे आम के पेड़ हैं, सॉरी आम हैं, और ये छोटे साइज के, देखिए। हाँ मज़ा आ नहीं गया। पढ़ूंगी। खैर नीचे तो नहीं गिरे होंगे इसमें। ये देखो हाथ भी पुर सकता है इसमें, काफी नीचे है। बस हम यही आना चाहते थे, जो हमें चाहिए था वो हमें। हाँ फाइनली हम यहाँ से बहुत सारे आम लेके ये जा सकते देखिए, ये हैं। हमारी थैली है और इसमें ये आम है, हाँ छोड़े थे चलो, कोई तो हम खास यही नहीं से है। जा सकते हैं। तो इसे पकड़िए और मैं आम तोड़ता हूँ। व्लॉग हमारा खेत में आया था। फाइनली हमने आम तोड़ लिए हैं और अभी टूट रहे हैं, और देखो इतनी नीचे है ये आम का पेड़। और अभी तो नहीं, बाद में यहाँ से हम आम और ले जाएंगे, फिर अचार वगैरह डालेंगे इसका। आज तो सिर्फ घर के यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं, और अभी तो बहुत छोटे छोटे भी इसमें आम हैं, थोड़े और बड़े हो जाएंगे। और ऐसा है हमारा खेत, इसके आगे में एक बहुत सुंदर टेम्पल है, बट अभी हम जा नहीं सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी, और जैसे ही थोड़ा सा माहौल सही होगा फिर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ का एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है हमारा छोटा सा ब्लॉग, और चल रही है मेहनत आम चौड़ाई में।
क्लोजर भी ले लो। तुम अपना ऐसा दिखाओ अलग से। वन मोर। वाओ आ गया। तो ये देखिए काफी सारे हमारे पास कैरी अब हो गए हैं। काफी है इतना, बहुत सारे थे, मजा आ गया आकर। अभी हमने तोड़ चुके हैं आम और अभी हम वापस हो रहे हैं क्योंकि शाम भी हो चुकी है, हमें पहुंचना होगा। यहाँ से ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर के आसपास है, 1.5 किलोमीटर। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। पता है हाँ बिल्कुल उचका सकते हैं, प्याज लगी हुई है। नहीं ले लो ले लो, चल देखो पूरा पूरा थोड़ू क्या। हाँ हो गया ज्यादा। चलो बस पकड़ो। हो गया बस, रहने दो। सब्जी काचियों का लालच हो गया। से को जहाँ सब्जी दिखी नहीं, हाथ मारना शुरू। ये जो दो रास्ते थे ये ट्रैक्टर के रास्ते हैं। ट्रैक्टर यहाँ से जो फसल नहीं लगती Let's go.